सोलन में बिजली की लाइन को ठीक करते हुए लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया, जिसे तुरंत बिजली कर्मियों की सहायता से अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लाइनमैन को फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। गौरतलब है कि जब ये घटना घटी तो जो लाइनमैन बिजली को ठीक कर रहा था, उसने सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी दस्ताने या सुरक्षा उपकरण नहीं पहने हुए थे। यही वजह है कि वह इस घटना का शिकार हुआ। अधिक जानकारी देते हुए बिजली बोर्ड के अधिकारी विपुल कश्यप ने बताया कि जब लाइनमैन खराब पड़ी लाइन को दुरुस्त कर रहा था, तो उस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से लाइनमैन का हाथ उसमें झुलस गया, जिसे तुरंत अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब लाइनमैन फ्यूज बदल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द इस मामले की जांच करवाई जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि हादसे की असल वजह क्या थी। पुलिस लाइन के पास कथेड़ में हुई है और एक्चुअली कुछ लाइन में फॉल्ट होने की वजह से पहले लाइन की मेंटेनेंस की गई, तो लाइन की मेंटेनेंस करने के बाद जैसे ही सप्लाई ऑन की तो फ्यूज कुछ शायद हल्के होने के कारण या उसमें पूरी मेंटेनेंस ना होने के कारण फ्लैश हुई है, जिससे कि लाइनमैन के हाथ में थोड़ा फ्लैश लग गया, जिससे थोड़ा सा जल गया है। सबसे पहले तो हम इनको फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो उसके बाद जैसे भी डॉक्टर हमें कहेंगे कि इसमें क्या मेडिकल देना है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो उसी हिसाब से हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल जाँच की जाएगी जी, इसमें लाइन देखी जाएगी और वहाँ पर जाकर के ट्रांसफार्मर भी देखा जाएगा कि क्या कारण हुआ है फ्लैश लगने का। मेंटेनेंस का प्रोडक्शन का सामान तो दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे भी ये काम करते हैं तो फील्ड से दूसरी जगह में जाना पड़ता है, तो कई बार सामान साथ नहीं भी होता है, तो ये वैसे तो एलटी का काम था, लेकिन फिर भी इनको सामान तो प्रोवाइड किया गया है।